चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं लेटेस्ट अपडेट्स पाने के लिए। नमस्कार, कुकिंग विद शालिनी में आपका स्वागत है। आज हम बनाने जा रहे हैं शेजवान सॉस। आइए इसके इंग्रेडिएंट्स देख लेते हैं। सूखी लाल मिर्चें, लहसुन, विनेगर यानी सिरका, नमक, चीनी। आइए अब हम बनाना शुरू करते हैं अपनी शेजवान सॉस। इसके लिए हमने ये मिर्चें जो हैं सूखी वाली मिर्चें हैं, इसको हमने भिगो कर रखा है 4-5 घंटे के लिए। आप रात को भी भिगो सकते हैं, सुबह ही बनाइए आप इसको। अब हमने ऐसे लेना है और बीच में से काट लेना है। बीच में से काट के हमने जो इसके बीज हैं इसको निकाल लेना है। बीज हम सब निकाल लेंगे बीच में से ऐसे। ये बीज हमने निकाल लेना है और ऐसे हमने कर लेना है। ऐसे ही हमने सारी मिर्चें कर लेनी है। ये जो मिर्चें हैं देखिए, हमने इसके बीच में से सारे बीज निकाल लिए हैं अच्छे से। ये देखिए, ये सब हमने ऐसे निकाल लेने हैं। ये सॉफ्ट भी हो गई हैं। अब हमने इसको मिक्सी में ग्राइंड कर लेना है, इसको फाइन इसकी पेस्ट बना लेनी है। ये अब हम इसमें डालेंगे अपने जार में। थोड़ा सा हम इसमें डालेंगे पानी और इसको अब हम पीस लेंगे। मिर्चें हम अपने पीस लिए हैं हमने। ये देखिए, बिल्कुल हमने इसकी फाइन पेस्ट बना ली है। बहुत ही अच्छे कलर आया है इसका। अब हम गैस खोलेंगे अपनी और इसमें हम रिफाइंड डालेंगे, रिफाइंड ऑयल हमने डालना है इसमें तकरीबन 1 कड़छी रिफाइंड ऑयल। अब हम इसमें, हमारा पास गार्लिक जो है, हमने 2 गुच्छियाँ बड़ी बड़ी गार्लिक की बारीक काट कर रखी हैं। ऐसे हमने बारीक काट लेनी है और ये हमने इसमें रिफाइंड ऑयल में डाल देना है। इसको हमने सॉटे करना है, लाइट ब्राउन हम इसको करेंगे। ये गार्लिक जो है हमारा लाइट ब्राउन हो गया है। अब हम इसमें डालेंगे अपनी जो ये हमने लाल मिर्च की पेस्ट बनाई है, ये डाल देंगे। तो सारी पेस्ट हमने इसमें डाल लेनी है। इसको हिला लेंगे हम। इसमें हम डालेंगे अब नमक 1/3 स्पून से थोड़ा सा ज़्यादा। तो हिलाएंगे, साथ में हम इसमें डालेंगे चीनी, 1/2 चम्मच चीनी का डालेंगे और इसको हिला लेंगे। जब ये मिक्स हो जाए अच्छे से, फिर हम इसमें डालेंगे अपना थोड़ा सा विनेगर। विनेगर डालेंगे हम तकरीबन 1 चम्मच हमने विनेगर का लेना है। आप थोड़ा ज़्यादा भी डाल सकते हैं। इसको हिला लेंगे। विनेगर और ये रिफाइंड ऑयल जो होता है ये इसका प्रिजर्वेटिव होता है। इसको, ये जो शेजवान सॉस है इसको आप बॉटल में डालकर फ्रिज में रख सकते हैं, ये ख़राब नहीं होती इतनी जल्दी से। ये इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा पानी। अच्छे से मिक्स करेंगे। एक से 2 मिनट तक हम इसको करेंगे हल्की गैस पे। ये सॉस अब हमारी रेडी हो चुकी है। ये स्टार्टर्स के साथ भी खाई जा सकती है। ये शेजवान राइस भी बन सकते हैं इसके। ये बहुत ही टेस्टी होती है। इसमें नूडल्स में भी हम इसको डाल सकते हैं। हम इसको 2 महीने के लिए फ्रिज में रख सकते हैं, इसका कुछ नहीं बिगड़ेगा इसमें, क्योंकि विनेगर भी डाला हुआ है और इसमें रिफाइंड ऑयल भी डाला हुआ है, ये इसके प्रिजर्वेटिव होते हैं। अब हम इसको अपने बोल में डालेंगे, गैस बंद कर देंगे।
शेजवान सॉस हमारी रेडी हो चुकी है। आप मेरी रेसिपी से इसे बना के देखिए, अगर आपको पसंद आए तो आप लाइक कीजिए और मेरा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।